many pieces up back together now. What's your vision? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन टेक एजुकेशन में। मैं हूं आपका होस्ट, आप सभी का दोस्त उज्जवल सिंघल। एंड गाइस, मेरे पास बहुत टाइम से एक ही टॉपिक को लेके बहुत सारे कमेंट आ चुके थे, वो ये कि सर हम अपने पीसी अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, हम उसको अनइंस्टॉल करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम कैसे करें अनइंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को अपने पीसी अपने लैपटॉप में से। आप प्लीज हमें बताइए, एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम जान सकें। सो गाइस, जब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ गए तो मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूं। सो आज गाइस मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, आप इस वीडियो को रिक्वेस्ट वीडियो भी बोल सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो गाइस प्लीज इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल इंडियन टेक एजुकेशन को। एंड जो भाई लोग मेरे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो गाइस, चलिए अब करते हैं शुरू इस वीडियो को। सो गाइस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सिंपल अपने पीसी पर आ चुका हूँ बैक। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको जाना क्या है, आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल अपने पीसी में और उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मेरा जो कंट्रोल पैनल था मेरे पीसी में डेस्कटॉप पे मुझे शो हो रहा था, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट ओपन कर लिया। अगर आप लोगों को ये नहीं मिलता है तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ सर्च का ऑप्शन मिलता है, आपने सिंपल इस सर्च के ऑप्शन पे जाके सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल। आपने सिंपल यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल सर्च करा, आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ दिख जाएगा, आप सिंपल एंटर प्रेस करिए, आपको जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो इस सिंपल तरीके से आप कंट्रोल पैनल को अपने पीसी में सर्च करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखती है प्रोग्राम्स की, और प्रोग्राम्स के नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो छोटे छोटे पतले पतले वर्ड्स में लिखा रहता है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। आपने सिंपल दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही गाइस आप यहां पे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पीसी में जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो सभी सॉफ्टवेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आपने सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को यहां पे सर्च कर लेना है। आप यहां पे देख सकते हैं मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2007 मुझे यहां पे शो हो रहा है। मैंने सिंपल यहां पे इसको सर्च किया। जब आप भी सर्च कर लें आपने सिंपल इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करना है, ठीक। और जैसे ही आप गाइस यहां पे राइट क्लिक करते हैं आपको यहां पे एक ऑप्शन शो होता है अनइंस्टॉल का। आपने सिंपल इस अनइंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप अनइंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं ये आपसे कहता है आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2007 फ्रॉम योर मशीन। तो यहां पर दोस्तों आपको कंफर्मेशन देनी है यस और नो। आप यहां पर अगर यस के ऊपर क्लिक करते हैं जैसे कि मैंने करा, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप अपने पीसी के अंदर यूज कर रहे थे वो अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। एंड गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अनइंस्टॉल होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, सो प्लीज पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपने कोई गलत स्टेप कर लिया है। तो मैं आपको बता दिया है कि यहां पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है प्रोग्राम को अनइंस्टॉल होने में, ठीक। तो यहां पर भी दोस्तों मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, जब ये मेरी पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है, देन आपको आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। एंड गाइस, आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरी वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2007 हैज बीन सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड। और यहां पर देखिए आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है क्लोज का, आपने सिंपल क्लोज के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे क्लोज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 था जिसे आप यूज कर रहे थे अपने पीसी अपने लैपटॉप में, वो आपके पीसी और आपके लैपटॉप में से अनइंस्टॉल हो चुका है। ओके गाइस, तो इतने सिंपल तरीके से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को अपने पीसी अपने लैपटॉप में से। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एंड आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड में दोस्तों यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए इंडियन टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर।
सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन टेक एजुकेशन।